नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग के जरिए एक कोशिश है भारत की कला संस्कृति के विभिन्न आयामों से आपको रूबरू करने की, आपका परिचय उन कला साधकों से कराने की, उन गुमनाम नायकों से कराने की जो भारत की कलाओं को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। साथ ही बात उन कलाकारों की जो कला के जरिए विभिन्न गंभीर मुद्दों पर अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। गिरीश कर्नाड, इन्हें ज्यादातर लोग एक मशहूर अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिरीश कर्नाड एक फिल्म निर्देशक, नाटककार और एक बेहद मशहूर समकालिक लेखक भी थे। गिरीश कर्नाड आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बेहतरीन कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। हाल ही में राजधानी में आयोजित एक थिएटर फेस्टिवल में गिरीश कर्नाड द्वारा लिखी नाटक अग्नि और बरखा का मंचन किया गया। यकीनन दर्शकों के लिए ये एक बेहद यादगार अनुभव रहा। शीला भारत राम थिएटर फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक नाटकों का मंचन किया गया। 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत स्वर्गीय गिरीश कर्नाड के नाटक अग्नि और बरखा के मंचन के साथ हुई, जिसका निर्देशन किया लोकप्रिय निर्देशक KS राजेंद्रन ने। नाटक अग्नि और बरखा एक पुरानी लोक कथा पर आधारित है। कदापि नहीं, असंभव। नाटक मंडली है कहाँ? नगर द्वार पर है, प्रतीक्षा में। दीक्षित, अनुमति दे, आने दे उन्हें। हमने उन्हें रोका नहीं, वे आ सकते, किंतु वो युवक, उसे नहीं आने दूंगा। 3 वर्ष हुए हमने कोई खेल नहीं देखा, नाटक लीला नहीं देखी। कभी तो महीने में 4-4 लीलाएं देखने को मिलती थी। हाँ, सच तो ये है कि इसकी कहानी महान ऋषि रैभ्या, उनके पुत्रों परवसु व अरवसु, परवसु के चचेरे भाई यावरकी, परवसु की पत्नी विशाखा और अरवसु की प्रेमिका निदिलाई पर केंद्रित है। आदि काल में प्रजापति ब्रह्मा ने चारों वेदों को एकत्र करके नाट्य वेद नामक पंचम वेद की सृष्टि की और अपने परम पुत्र इंद्र को भेंट कर दी। इस कहानी ने दिखाया कि कैसे शक्ति का दंभ और पद की लालसा लोगों को सही पथ से भटकाती है। एक दिवारात्रि का चक्र पूरा होने तक यदि वो अपने प्राण बचा सका तो इसे मैं अपनी हार समझूंगा और स्वयं भी चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। रैभ्य का किरदार है और ये महाभारत काल का के समय का ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें यवक्री और परावसु जो कैरेक्टर, तो ये परावसु के पिता का कैरेक्टर करता है। कहानी के अंत में भगवान इंद्र का प्रकट होना और सत्य एवं प्रेम की विजय ही इसका मूल है। तुम और इंद्र, हाँ यही तो, दो अभिमानी देवता मेरे जीवन के। तुम दोनों के ही कारण मैं ब्रह्मचारी रहा हूं अब तक। इस धरती पर मेरी ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं गिरी अब तक। अब जो मैं तुम्हारे पास बैठा हूं तो इंद्र से भी छल करने को मन करता है। रंगमंच में स्वर्गीय गिरीश कर्नाड का बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण योगदान है। उनके सभी नाटक दर्शकों के लिए यादगार सौगात है और विभिन्न फेस्टिवल्स में उनके नाटकों का मंचन किया जाता रहा है। मैंने कहा हंसी उड़ाई? नितिलई हंसी उड़ा रही थी। क्या कह रही थी कहो तो? हाँ बोलो मेरी बच्ची, अरे क्या हंसी उड़ाई तुमने? मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि जंगल में 10 बरस क्यों लगा दिया यवक्री ने। ईश्वर को ढूंढ रहा था, भगवान से ही लेना था सकल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ये शो देखने के बाद मेरे गूज बम्स आ गए। हमारे जो एक्ट्रेस रहे हैं रिपेटरी के, जो भी सासी रिपेटरी के एक्टर है, ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेज मैंने देखा गिरीश कर्नाड द्वारा लिखा हुआ। और जो अभिनेताओं ने जो अभिनय किया इसमें, वो बहुत बहुत कमाल की अभिनय रही। तो मेरे लिए बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभव रहा है ये नाटक देख के।
अंत में यवक्री धधकती ज्वाला के गोले के। श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का ये थिएटर फेस्टिवल दर्शकों को रचनात्मकता से परिपूर्ण समकालीन और पारंपरिक शैली के नाटकों के साथ साथ जीवन के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू कराने का भी एक प्रयास रहा। और अंत में जब हृदय पिंड निकाल होम करने को तत्पर था वो। मैंने इंद्र पर विजय पाई है जो देवताओं का भी स्वामी है, और तुम होती कौन हो कुछ भी कहने वाली। फेस्टिवल में विभिन्न शैलियों के नाटकों का मंचन किया गया, जिनमें एम के रैना निर्देशित नाटक महाबली, मानव कौल का समीप सिंह निर्देशित प्रेम कबूतर, गिरीश कर्नाड के माधवाने निर्देशित तुगलक और गुलजार के सलीम आरिफ निर्देशित 2x2 आदि का मंचन किया गया। क्यों नहीं पहचान पाया मैं तुम्हारी रंग तरंग। टीटी न्यूज। कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है संतूर। इसका ऐतिहासिक महत्व है। बीते हफ्ते पहली बार राजधानी दिल्ली में संतूर दिवस मनाया गया। प्रख्यात संतूर वादक स्वर्गीय पंडित भजन सुपोरी की विरासत को याद करने का ये दिन रहा, और इसमें देश ही नहीं दुनिया भर से कलाकारों ने हिस्सा लिया, अपनी संगीत प्रस्तुतियाँ दी और उनकी विरासत को याद किया। राजधानी दिल्ली में मनाया गया पहला संतूर दिवस। स्वर्गीय संतूर सरताज पंडित भजन सुपोरी द्वारा स्थापित संस्था सुपोरी अकादमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ने दुनिया भर के संगीत प्रेमियों, कलाकारों और रचनात्मक कला बिरादरी और कई प्रमुख सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर संतूर दिवस मनाने का फैसला किया। इस मौके पर एक संगीतमय संध्या का आयोजन हुआ। इस संगीत संध्या में भारतीय शास्त्रीय, कश्मीरी, सूफियाना, ईरानी, चीनी एवं अर्जेंटीना के कलाकारों सहित प्रख्यात संदूर वादक एवं संगीत निर्देशक पंडित अभय रुस्तम सुपोरी और पद्मश्री पंडित सतीश व्यास की प्रस्तुतियां शामिल रही। June 22 स्वर्गीय पंडित भजन सुपोरी जी की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें याद करते हुए ये संतूर दिवस मनाया गया। देश के प्रख्यात संतूर वादक पंडित भजन सुपोरी जी ने, जिन्होंने कश्मीर की वादियों में सिमटे हुए संतूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया और शास्त्रीय संगीत से जोड़ा, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं विश्व संतूर दिवस के रूप में, और जिसमें न केवल भारत के बल्कि दुनिया के अनेक देशों के संतूर वादकों की प्रस्तुतियां हो रही हैं। पंडित भजन सुपोरी एवं पंडित अभय रुस्तम सुपोरी के शिष्यों ने भी अपनी प्रस्तुति से अपने गुरु को याद किया। सपोरी जी को हमेशा से सुनते आए हैं और एक ऐतिहासिक क्षण है। इनके संतूर से कश्मीर जैसे जीवांत हो जाता था हम सबके साथ में। पंडित अभय रुस्तम सुपोरी ने सुपोरी बास की शैली के अंतर्गत तंत्र और गायकी के अंग पेश किए। उस्ताद अकरम खान ने तबले पर अभय सुपोरी को संगत दी।
अगर भारत की बात करें तो हमारी जड़ों में कैसे ये सांस जुड़ा हुआ है, ये फेस्टिवल के ज़रिए ये आगे बढ़ेगा। और पापा को एक ट्रिब्यूट है सारे म्यूज़िक फ्रेटर्निटी की तरफ से इस वर्ल्ड संतूर डे पे, और आने वाले सालों में आई एम श्योर इसमें बहुत सारे देश आएंगे जहाँ पे डल्सिमर फैमिलीज़ होती हैं। और सबसे खूबसूरत बात एक और है कि भले ही आज एक शुरुआत है, इसी टाइम पे तो चाइना, अर्जेंटीना, जर्मनी, US, यहाँ सब जगह अलग अलग जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। संतूर जैसे उत्कृष्ट वाद्य और इसके सांस्कृतिक दर्शन के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का ये प्रयास बेहद सफल रहा। काफ़ी सारे म्यूजिकोलॉजिस्ट्स, आर्टिस्ट्स ये चाहते थे कि इस तरीके का एक फंक्शन हो और एक डे हो इस साज के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि हमारी संस्कृति में बहुत गहरा जुड़ा हुआ है और शास्त्रीय तंत्र वीणा के नाम से जाना जाता है, और इसकी प्रेजेंस इंडिया और भारत में और भारत से बाहर काफ़ी है। संतूर की विरासत और पंडित भजन सुपोरी के योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में देश ही नहीं दुनिया भर से कलाकार इकट्ठा हुए। साथ ही इस कार्यक्रम ने संतूर के अनूठे इतिहास और कश्मीरी परंपरा में इसकी अभिन्न भूमिका पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। रंग तरंग डीडी न्यूज। बढ़ते कचरे के साथ साथ कचरा प्रबंधन को लेकर भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में प्रदर्शनी के जरिए इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया और सम्मानित किया गया उन महिलाओं को जो लगातार कचरा प्रबंधन में जुटी हुई हैं। जी हां, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली और कोलकाता की महिला वेस्ट रिसाइकलर्स के काम को, उनके उल्लेखनीय योगदान को फोटोज के जरिए दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया गया। महिला वेस्ट रिसाइकलर्स की दृढ़ता और कड़ी मेहनत को सलाम करती है ये प्रदर्शनी। महिलाएं लंबे समय से कचरा संग्रहण गतिविधियों में सबसे आगे रही हैं, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। नीदरलैंड के दूतावास द्वारा दिल्ली और कोलकाता में कचरा प्रबंधन में महिला रिसाइकलर्स को सम्मानित करती ये फोटो प्रदर्शनी एक प्रयास है पर्यावरण के इन संरक्षकों को सम्मान देने का, एक पहचान देने का। वुमन वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, महिला रिसाइकलर्स के उल्लेखनीय योगदान को इस प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रदर्शनी में उन महिला रिसाइकलर्स पर प्रकाश डाला गया जिन्होंने अस्थायी नौकरियों और अपर्याप्त आवास जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए नगर पालिका के लिए करोड़ों रुपए बचाए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिला वेस्ट रिसाइकलर्स को सशक्त बनाना है, भारत के अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्थिरता को बेहतर बनाना और उससे जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करना है। दिल्ली में जब हमने वेस्ट रिसाइकलर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कूड़ा प्रबंधक का काम करती हैं, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सबसे ज़्यादा कठिन काम है और सबसे ज़्यादा गंदगी वाला काम है और बहुत ही लास्ट ऑप्शन बचता है किसी भी वर्कर और किसी भी महिला के लिए कि वो ये वाला काम करे। कोई भी ये खुशी से नहीं करना चाहता। और जब हमें ये सब चैलेंजेस के बारे में पता चला तो हमें रियलाइज़ हुआ कि कैसे
कैसे ये लोग बहुत बड़े हिस्सेदार हैं क्लाइमेट चेंज या क्लीन स्काई की जब हम बात करते हैं, तो दे आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, एंड सिटी का जो पूरे शहर का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हर दिन का। अगर ये 15-20% भी इनफॉर्मली वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं रिसाइकल होने के लिए, तो विच इज़ ह्यूज। इतना वेस्ट सिटी का रिसाइकल हो रहा है, अगर इनको इनफॉर्मली इनको रिकोगनाइज किया जाए, इनको विजिबल किया जाए, इनके लिए पॉलिसीज और इनको फॉर्मली हमारा जो फॉर्मल सेटअप है उसमें उनको लाया जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ मच ऑफ कितना वेस्ट हमारा सेग्रीगेट और रिसाइकल होगा ऑन डेली बेसिस। प्रदर्शनी का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, असमानता और बेहतर कार्य स्थितियों और सुरक्षा मानकों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना वर्चस्व साबित कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर भी महिलाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र और परिपत्र अर्थव्यवस्था में एक मजबूत योगदान दे रही हैं। घर से लेकर काम पर इंजीनियर, कलेक्टर, रिसाइकलर से लेकर अनौपचारिक कचरा संग्रहणकर्ता और प्रोसेसर तक, ये प्रदर्शनी हमारे देश की महिलाओं के कभी ना थकने वाले जज्बे को सलाम करती है। रंग तरंग डीडी न्यूज। तलत महमूद एक बेहद मशहूर गायक और हर दिल अजीज अभिनेता, उनके गानों को, उनके द्वारा गाए गए नगमों को हम आज भी गुनगुनाते हैं। हाल ही में राजधानी दिल्ली में दर्शकों को उनके जीवन के कुछ यादगार लम्हों को अनुभव करने का एक बेहद खास मौका मिला। मौका था उनके जीवन पर आधारित एक नाटक के मंचन का। सुनहरे दौर के गायक तलत महमूद की सुरीली आवाज से गूंजता ये नई दिल्ली का इंडिया हैबिटेट सेंटर है, जहां बैठे ये दर्शक तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गीतों का न सिर्फ मजा ले रहे हैं, बल्कि यहां पेश इन कलाकारों द्वारा प्रस्तुत प्ले के माध्यम से उनकी जिंदगी के कई पहलुओं से भी रूबरू हो रहे हैं। थ्री आर्ट्स क्लब एंड कत्यानी और वर्किंग आर्ट प्रेजेंटेशन द्वारा प्रस्तुत ये प्ले तलत महमूद की भांजी सहर जमा द्वारा लिखित उनकी बायोग्राफी पर आधारित रहा। इन हिज डेब्यू फिल्म दिले नादान द प्रोड्यूसर एडवर्टाइज्ड अ कॉन्टेस्ट इन द न्यूज़पेपर, जहां इस प्रस्तुति में कथन, अभिनय, फिल्म प्रोजेक्शन और कोरियोग्राफी का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। श्यामा कन्फेस्ड शी हैड अ बिग क्रश ऑन हिम। हम जब भी साथ में एक्टिंग करते तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। तलत मेरे दिल की धड़कन थे, मैं रेडियो पर उनका कोई भी गाना सुने बगैर नहीं छोड़ती थी। मखमली आवाज के जादूगर तलत महमूद की यादों को संजोया ये प्ले अपने आप में बेहद खास रहा, जहां इन किरदारों ने एक बार फिर से उस मखमली आवाज की याद दिला दी और साथ ही साथ उनके जिंदगी के सफर को कुछ इस अंदाज में पेश किया कि देखने वाले बेहद भावुक हो गए। सुरैया वाज तलत्स फेवरेट को-स्टार। सब कुछ कहाँ लाला गुल में नुमाया हो गई, क्या सूरतें होंगी जो खाक में पिन्हा हो गई। इसका मतलब ये है कि शायद वो खूबसूरत लोग जो हमारे साथ नहीं हैं वो फूल और शगुफे बनकर दुनिया में फैल गए। क्या कहूँ मैं तलत साहब के बारे में, ज़ाहिर है बचपन से लेकर आज तक का वक्त आ गया
और अभी भी उनकी आवाज़ सुनकर दिल में वैसी ही धड़कन होती है जैसे उस ज़माने में हुआ करती थी। एक ऐसी आवाज़ जो शायद अब पैदा नहीं होगी। तलत महमूद की बायोग्राफी को इन कलाकारों ने कुछ इस अंदाज से पेश किया जिसे देखने वाले उनकी जिंदगी के खास पलों को महसूस कर रहे हों। एक गाने की शूट के दौरान मुझे डांस स्टेप समझ में नहीं आ रहे थे। नूतन ने बस मेरा हाथ पकड़ा और डांस करने लगी। सर, आपने तलत महमूद का किरदार इस प्ले में अदा किया है, ऐसा तलत महमूद, उनको पढ़ना, उनको जानना और उनको सुनना, किस तरह का आपका अनुभव रहा और किस तरह की आपने इसमें तैयारियां की? इस किरदार के लिए जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे बोला गया कि वॉइस टेक्सचर मिलता है, तो मैंने उनको सुना भी, उनके इंटरव्यूज भी सुने, क्योंकि गाना सुनना एक अलग चीज़ है और उनकी बातचीत को सुनना अलग हो जाता है। कोशिश की कि बचपन से लेकर के उम्र दराज तलत तक के किरदार को मैं निभा सकूँ और अच्छे से निभा सकूँ। अपने बम्बई नाना पर लिखी किताब पर हुई इस प्रस्तुति को देख लेखिका सहरजमा भी बेहद भावुक हो गईं। हम कह सकते हैं कि इन थिएटर आर्टिस्ट ने तलत महमूद की यादों को जिंदा कर दिया है, तो उसको बाकायदा देखना किस तरह का अनुभव रहा और क्या एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं? जी, मैं तो किताब लिखते वक्त सोच रही थी कि मैंने किताब लिखी तो उनके सारे लाइफ एक्सपीरियंस को ज़िंदा कर लिया, मगर थिएटर में तो ऐसा लगा इनके सुहेला जी का थिएटर देख के इट इज़ मोर देन ब्रिंगिंग टू लाइफ, इट्स लाइक अ मेटावर्स एक्सपीरियंस, यू नो, इट्स लाइक बीते हुए पल को अभी बैठ के देखना। और बिल्कुल जो मैं ऑडियंस का रिएक्शन भी देख रही थी, दे वर फीलिंग एवरीथिंग, कि जो जो बताया जा रहा था कहानी में वो उसको महसूस कर रहे थे, वो गाने साथ साथ गा रहे थे, वो ताली साथ साथ बजा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था और वेरी वेरी हम्बल्ड कि मेरी किताब को इसके लिए लिया गया। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी कॉन्फ्लुएंस 24 में। यहाँ पर एक ही मंच पर, एक ही छत के नीचे विविध पृष्ठभूमि के लोग जुटे। यहाँ पर स्थापित और उभरते कलाकारों ने हिस्सा लिया, तो वहीं डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और फोटोग्राफर्स भी नजर आए। प्रदर्शनी भी हुई तो वहीं कॉन्वर्सेशन भी हुए, सेशंस भी हुए, चर्चाएं भी हुई। ये है कॉन्फ्लुएंस 24, वेलहम ओल्ड बॉयज सोसाइटी द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी। कॉन्फ्लुएंस के दूसरे संस्करण में सप्ताह भर चली इस ग्रुप एग्जीबिशन में सामुदायिक सहभागिता की पहल साफ नजर आई। कला प्रदर्शनी के दौरान विविध पृष्ठभूमि से स्थापित उभरते कलाकार, आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स शामिल हुए। कॉन्फ्लुएंस 24 के दौरान समांतर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी देखने को मिली, जिसमें दिलचस्प बातचीत, वार्ता, फिल्म स्क्रीनिंग और डांस वर्कशॉप्स का भी आयोजन हुआ। हमने 29 विभिन्न आर्टिस्टों का ग्रुप शो में काम दिखाया है और सीनियर आर्टिस्ट आए हैं और लगभग
1000 से ज़्यादा गेस्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन्होंने आके आर्ट को एंजॉय किया है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है हमारे लिए। कॉन्फ्रेंस 24 में इस वर्ष कला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, ऐसे क्षेत्र जहां कई चुनौतियां हैं। फोटोग्राफी, वास्तुकला, डिजाइन, वार्तालाप, सत्र और बहुत कुछ शामिल रहा ताकि दर्शकों को एक विकसित मंच का अनुभव मिले जो विविध रचनात्मक विधाओं का समर्थन करता नजर आया, साथ ही युवाओं को एक बेहतर रचनात्मक संवाद के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है ये कलाएं, और मौजूदा दौर में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप कला के किसी ना किसी रूप से खुद को जोड़े रखें। तो इसी संदेश के साथ रंग तरंग का आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।